जीजस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। अच्छा। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू, खून था ना अंदर, बोलते इसमें वाइन है। तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले, भगवान काम करता, सब भगवान को पटा के रखा हुआ है। अभी ये जो आपने क्लिप देखा, ये गोविंदा की पत्नी ने अपने एक पॉडकास्ट में अपने पास्ट लाइफ का अपना किस्सा सुनाते हुए लॉस सफर के वाइन के ऊपर में भी इसने कमेंट करा। तो इसको लेकर भारत में बहुत सारे मसीह लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं इस पर जाना नहीं चाहूंगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद है कि लॉस सफर का महत्व और मतलब को आपको समझाऊं, ताकि अगले बार जब आप लॉस सफर में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रभु भोज खाएंगे, तो आपको उसका मतलब जो बाइबल हमें बताता है उसको समझ में आए। ये जो लेडी का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था, ये तो कुछ नहीं, अर्ली चर्च हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीही लोगों को मांसाहारी यानी कि लोगों के मांस और रगत खाने का भी एलिगेशन लगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अर्ली चर्च में रोमन्स लोगों का जो पर्सिक्यूशन, और जूश लोग भी बहुत ही होस्टाइल थे मसीह लोगों पर, तो इसीलिए वो क्या करते थे, जब अपना फेलोशिप होता है सेक्रेटली वो लोग फेलोशिप करते थे और उसमें प्रभु भोज को खाते थे, उसमें ब्रेड और वाइन ये दोनों को, क्योंकि सिंबोलिकली वो मांस और लहू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से बात जो है फैल गया कि मसीही लोग इंसान के मांस और रगत पीते हैं। तो इसको लेकर रोमन्स लोग परसुकेट भी किया, क्योंकि ऐसे भी मसीही लोगों को वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एम्परर वर्शिप में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन पॉलीकप जो अपोस्टल जॉन का एक डिसाइपल था, उन्होंने इसको लेकर डिफेंस दिया और फेमसली अपने फर्स्ट एपोलॉजी में जस्टिन मार्टियर, उन्होंने भी इसको लेकर डिफेंस दिया कि जो मसीही लोग जो ब्रेड और वाइन को खाते हैं वो सिंबोलिकली प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान को रिप्रेजेंट करता है, ना कि कोई मांस और खून वो लोग खाते हैं इंसान का। तो सोच के देखिए कितना बड़ा ये मिसअंडरस्टैंडिंग था। और उसी प्रकार से आज भी बहुत सारे चर्चेस में लोग लॉर्ड्स सुपर का महत्व को नहीं समझते, वो यूं ही कैजुअली बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशन है। तो सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह ने जो इंस्टीट्यूट करा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मत्ती रुचित सुसमाचार के अध्याय 26 यानी कि चैप्टर 26 का 26 से लेकर हम 28 तक पढ़े। यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, व्हाइल दे वर ईटिंग Jesus took bread and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, Take and eat, this is my body. Then he took a cup and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. जो कॉन्टेक्स्ट है पासओवर का फेस्टिवल का, ये लोग मील यानी कि भोज खा रहे। पासओवर वो फेस्टिवल है जो इजिप्ट में जब यहूदी लोग थे यानी कि वो लोग गुलाम का जिंदगी जी रहे थे, और प्रभु ने वहां पर 10 महामारियां भेजे। लास्ट अंतिम महामारी जो था वो डेथ ऑफ फर्स्ट बॉर्न, डेथ एंजल को भेजा। लेकिन यहूदी लोगों के लिए प्रभु ने एक प्रोविजन दिया कि एक लैम को मारा जाए और उसका लहू को डोर पोस्ट पे लगाए, और उस लैम का जो मीट है उसको अनलीवन ब्रेड के साथ में वो खाए। वो था इजिप्ट में हुआ था, और उसी को याद करके यहूदी लोग हर साल पासओवर फेस्टिवल मनाते हैं, यानी कि उसमें वो लोग याद करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने उन्हें डिलीवर किया था, क्योंकि उस लेम के लहू जो डोर पेस्ट में लगाया उसी के कारण डेथ एंजल उन लोगों को विजिट नहीं किया, यानी कि जो हिब्रूस के पहला बच्चा था वो नहीं मरा, यानी कि उन लोगों के घर में कोई भी मृत्यु नहीं हुआ, बाकी दूसरों जितने भी इजिप्शियंस लोगों का सारा का मर गया, इवन फारो का भी। तो उसी को याद करने के लिए वो हर साल पासओवर का फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें वो थैंक्स देते हैं और याद करते हैं कि परमेश्वर का डिलीवरेंस को। अब ये पासओवर का मील में जो ब्रेड, अनलीवन ब्रेड यानी कि जिसमें ईस्ट नहीं डाला जाता, जो प्योर है,
होली है, मान्यता है, उसका ब्रेड और साथ में वाइन को वो लोग सेवन करते हैं, और कुछ कुछ आइटम्स है लेकिन प्रमुख ये दो है। जब डिसाइपल को लेकर प्रभु यीशु मसीह इस भोजन को खा रहे थे पासओवर का थर्सडे को, तो इसमें प्रभु यीशु मसीह रीडिफाइन कर रहे थे ये ब्रेड और वाइन को। वाइन जो डार्क रस यानी कि अंगूर का रस, अब यहां में जो ब्रेड है उसको रीडिफाइन करके वो अपना शरीर को बताते हैं, यानी कि जो अनलिवन ब्रेड है, जो प्योर ब्रेड है जिसमें यीस्ट नहीं डाला गया, वो ब्रेड प्रभु यीशु मसीह का शरीर को वो बताते हैं कि ये मेरा शरीर है जो आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए तोड़ा जाएगा। जिस प्रकार से तोड़ रहे हैं, उसी प्रकार से जो प्याला, जो डार्क रस वाइन, जो लेडी ने कहा वाइन जो डार्क रस होता है, उसको प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो उनका लहू है जो पापों के क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तो यानी कि जो दो मेन प्राइमरी आइटम्स जो पास ओवर का फेस्टिवल का जो भोज का, उसको रीडिफाइन करके प्रभु इसमें सिंबोलिकली कुछ बता रहे हैं। तो यानी कि जो पास ओवर का जो भोज है उसको प्रभु रीडिफाइन करके बता रहे हैं सिंबोलिकली। ब्रेड उनका शरीर, अनलिवन ब्रेड यानी कि होली परफेक्ट, जो लेम एक्चुअली वो ब्रेड, वो लेम जो स्लेन हुआ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से ही इज ऑल्सो द लेम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। वो निष्पाप होते हुए भी उनको तोड़ा जाएगा, जिस प्रकार से आइजिया कहता है उनको इतना सताया, इतना टॉर्चर किया जाएगा कि उनमें कोई खूबसूरती नहीं बचेगी, उनको तोड़ दिया जाएगा। वो ब्रेथ उनको रिप्रेजेंट करता है, और वो डार्क रस उनका लहू को जो पापों के क्षमा के लिए, नया वाचा बनाने के लिए जो बहाया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां में प्रभु साफ कह रहे, तो प्रभु ने ये इंस्टीट्यूट किया। तो आप यहां में हमें कुछ कुछ बातें समझनी है जो लॉर्ड सपर जो सिग्निफाई करता है। सबसे पहला, लॉर्ड सपर हम इसीलिए खाते हैं वचन के हिसाब से, क्योंकि प्रभु ने कहा आप जब भी खाओ मेरे याद में, जब भी इकट्ठा हो तो मेरे याद में इस भोजन को किया करो, यानी कि प्रभु भोज को, यानी कि इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने क्या करा, जो लहू बहाया, जो मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया, जो हमारे लिए कलवरी क्रूस में मरे, और उनके पुनरुत्थान को हम याद करते हैं जब भी हम प्रभु भोज खाते, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे याद में ये क्या करो, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिम। और दो नंबर में, लॉर्ड सपर पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है कि हम प्रभु में एक हो रहे, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम एक हो जा रहे। जिस प्रकार से हम उनका शरीर और लहू को हम अपने में ले रहे, यानी कि हम उनके शरीर में एक हो रहे। इसलिए मसीह एक परिवार है, एक है, वन बॉडी, यानी कि मसीह का देह में हम एक हो गए। इसलिए कोई जाति नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं है मसीह में, सब एक है। हेड इज क्राइस्ट एंड वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम सभी विश्वास के द्वारा एक हो जा रहे हैं लॉर्ड सपर पार्टिसिपेट करने के द्वारा। और तीन नंबर में, हम जब लॉर्ड सपर खाते हैं तो हम प्रभु के दूसरा जो आगमन है, यानी कि इनके सेकंड कमिंग को हम एंटिसिपेट करते हैं, हम याद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक मैं ये भोज जो है नहीं खाऊंगा। प्रभु ने जाने से पहले कहा, प्रभु भोज जब वो खिला रहे थे तब उन्होंने ये कहा, यानी कि वी क्रिश्चियंस, हम मसीही लोग प्रभु भोज जब खा रहे हैं तो हम प्रभु का सेकंड आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं। वी आर होपिंग फॉर इट, वी आर लुकिंग फॉर इट। चार नंबर में, ये जो लॉर्ड सपर में है जब हम लोग भागी लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि पॉल ने कहा फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्स 26 में एपोस्टल पॉल कहता है, फॉर व्हेनेवर यू ईट दिस ब्रेड एंड ड्रिंक दिस कप यू प्रोक्लेम द लॉर्ड्स डेथ अंटिल ही कम्स। तो जब भी हम प्रभु भोज खाते हैं, इसका महत्व ये है कि हम प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करें। तो जब भी हम प्रभु भोज को खाएं तो हम सुसमाचार का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण के बारे में बताएं, और ये बताएं कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर विश्वास करते हैं, उनके जो कलवरी क्रॉस में काम किया उसको हम विश्वास करते हैं, और उनको
रिसीव करते हैं अपनी जुबान से अंगीकार करके कि वो मालिक है, वो प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है और अपने जीवन को दे देते हैं, उनका उद्धार होगा। ये सुसमाचार हमें प्रचार करना है। जब भी हम नोट सफर खाते हैं तो ये हमें याद दिलाना है कि वी आर कमीशन टू से द गुड न्यूज टू अदर। तो ये ब्रेड और वाइन और ये जो लॉर्ड सफर में पार्टिसिपेट करने का प्रमुख जो सिंबॉलिकली जो हमें याद दिलाता है वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, वो प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहना हमारे पापों की शुद्धि के लिए, हमारे पापों के माफी के लिए, और उनका लहू जो है हमें ये बताता है कि उनके लहू से हम नए वाचा न्यू कवेनेंट में हम प्रवेश हो गए। अब हमें माफी और आजादी प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिलता है। तो ये सभी चीजें प्रभु बोझ को खास बनाता है क्योंकि प्रभु ने ही इसको इंस्टीट्यूट किया। इसलिए हम सभी जितने भी मसीही हैं हमें प्रभु बोझ में पार्टिसिपेट करना है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, अंगीकार किया है, तो जरूर आपको प्रभु बोझ में हिस्सा लेना है। तो आशा करता हूं आपको ये जो संदेश है समझ में आया। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा। धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।